सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया हूं। ये सेलमैन दुनिया का वाहिद शख्स है जो कामयाब तरीन शख्स है, अपनी सैलरी खुद साइन करता है। ये वो है वाहिद शख्स है जो अपनी हर ख्वाहिश को पूरी कर सकता है। दुनिया के किसी शख्स के पास अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने का चांस नहीं है। सिर्फ एक शख्स है पूरी दुनिया में, सिर्फ एक शख्स, वो है सेलमैन, जिसके पास ये चांस है, अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास ये एटमॉस्फेयर है कि वो अपनी दुनिया की हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए एफर्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है? एक सेलमैन क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, एक सेलमैन इंपॉर्टेंट क्यों है, इन चीजों के ऊपर हम आज देखेंगे जी। कि सेलमैन हमें, हर शख्स को अपने अंदर सेल्स क्वालिटीज पैदा करनी चाहिए। कैसे होंगी? हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो अल्लाह ताला ने हम में हर चीज इंडल्ज की हुई है, सिर्फ हमने पॉलिश करनी है। इससे पहले कि ये तमाम चीजें हम स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई भी शख्स जो आपको कुछ भी बेच रहा है, सर्विसेज सेल करें, प्रोडक्ट सेल करें, या आपको कोई अपने आप को बेचे, वो सेलमैन है। क्या स्किल्स हैं जिसकी वजह से किसी भी सेलमैन हमें चाहिए? सबसे पहले आएगा कि वो सेलमैन थिंकिंग लाइक अ क्लोजर। उस सेलमैन को अपनी सेल्स करने के लिए, जब उसने एक्सप्रेस कर लिया है, प्रोडक्ट की ब्रीफिंग दे दिया, प्रोडक्ट नॉलेज तो कंपल्सरी है ना, प्रोडक्ट की ब्रीफिंग दे दिया, आपने बता दिया, अपनी सर्विसेज डिलीवर कर दिया, बता दिया कि हमारे पास ये है, तो उसको जिसके साथ डिस्कशन कर रहा है क्लोजर होना चाहिए कि अपनी जो चीज सेल कर रहा है, जो मीटिंग है, उसको क्लोज करना चाहिए, फिनिश करने की तरफ कि यार ठीक है ये कंप्लीट हो रही है। ये उसमें स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज की मुकम्मल स्किल्स होनी चाहिए कि उसको प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, उस चीज की जो वो डिलीवर कर रहा है, हर चीज की उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये हो गया जी। उसके बाद उसमें बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद नंबर फोर पे सेल्समैन स्किल्स की बात हो रही है, नंबर फोर पे आएगा हमारे पास कि उसकी मीटिंग का मकसद होना चाहिए कि मैं यह मीटिंग कर रहा हूं अलिफ के साथ, बे के साथ, जैद के साथ, बकर के साथ, तो उस मीटिंग का कोई ना कोई मकसद है। ये उसकी, ये सेल्समैन की स्किल्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि सेल्समैन देखता है, उसकी स्किल्स होनी चाहिए कि जिसके साथ वो डिस्कशन कर रहा है, उसके जो वो लेना चाहता है उससे, वो उसको डिलीवर करना है। जो वो सुन रहा है, एक्टिवली लिसनर होना चाहिए, जो वो सुन रहा है अपने कस्टमर की बात, उसके मुताबिक उसको सर्विसेज देगा तो चीज सेल होगी, तब सर्विसेज सेल होगी। ये उसकी स्किल्स है। आप में ये स्किल्स होनी चाहिए, एक्टिव लिसनर, और शार्प माइंडेड होना चाहिए कि आपके क्लाइंट ने, आपके कस्टमर ने, जो भी आपका जहां जो एरिया है जहां सेल कर रहे हैं, जो चीज उनको रिक्वायर्ड है, जिस चीज की उनको रिक्वायर्ड है, वो शार्प माइंडेड उसको बताए कि यार ये चीज हमारे पास है। क्लाइंट का फायदा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को ये चीज रियलाइज करवा देते हैं कि यार इसमें तुम्हारा फायदा है, तो वो क्लाइंट उसको परचेज करता है, उसके पास पैसे हो या ना हो, जब उसको पता चल गया कि दिस प्रोडक्ट इज माई नीड, तो वो उसको परचेज करता है। और इसी तरह जब परचेजिंग होती है, तो वो लाइन, वो जो होता है सेलमैन, वो सक्सेसफुल सेलमैन, वो कामयाब होता है। अगर आप चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल सेलमैन बने, अगर आप चाहते हैं कामयाबी हासिल करें, फेम हासिल करें, इज्जत, शोहरत, पैसा कमाएं, एक कामयाब शख्स बने, तो आप याद रखें, आपने इन चीजों को अपने अंदर बिल्ड करना है। एक रिस्पॉन्सिबल सेलमैन बनना है, एक जबरदस्त सेलमैन स्किल्स उसकी हासिल करनी है।